हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि गौतम और आपके लिए लेकर आई हूँ एंटरटेनमेंट से जुड़ी ढेर सारी गॉसिप्स, कंट्रोवर्सीज और न्यूज़। बॉलीवुड के बीते ज़माने में कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर के दौरान खूब कामयाबी हासिल की और उन्हीं में से एक है अभिनेता राजेंद्र कुमार। जी हाँ, अभिनेता राजेंद्र कुमार ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की सिल्वर जुबली लगा दी, जिस वजह से उनको जुबली कुमार भी कहा जाता है। महज 69 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया और आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। अभिनेता राजेंद्र कुमार ने बॉलीवुड में अपने दम पर कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन शुरुआती दौर उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार को बचपन से ही अभिनेता बनने का शौक था और जब वो पहली बार मुंबई आए थे तो उनके पास सिर्फ 50 रुपये थे, जो कि उन्होंने अपने पिता की घड़ी बेचकर हासिल किए थे। 1963 से लेकर 1966 लगातार राजेंद्र कुमार ने 6 हिट फिल्में दी और ये वो दौर था जब मुंबई के हर सिनेमा घरों में सिर्फ राजेंद्र कुमार की फिल्में लगा करती थी और ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला, जिसके बाद राजेंद्र कुमार के फैंस उन्हें जुबली कुमार से बुलाने लगे। 1981 में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को लव स्टोरी फिल्म से लॉन्च किया और ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 1969 में राजेंद्र कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही अपने फिल्मी करियर में राजेंद्र कुमार ने लगभग 85 फिल्मों में काम किया, जैसे कि पतंग, संतान, हमराही, जो कि आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। और भी ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल उत्तर प्रदेश.org।